बिल्कुल, मैं शायन मॉक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट स्टे वीजा, यानी कि सी टाइप वीजा, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में टूरिस्ट वीजा। जी हाँ गाइस, टूरिस्ट वीजा ऑफ आयरलैंड। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो टूरिस्ट वीजा होता है उसे ऑफिशियल टर्म्स में शॉर्ट स्टे भी कहते हैं और सी टाइप वीजा भी कहते हैं मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्यों हमें इस वक्त सी टाइप वीजा यानी कि टूरिस्ट वीजा ऑफ आयरलैंड अप्लाई करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अप्रूवल रेट है, कितना कॉस्ट है, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए कितना फायदेमंद होगा, वर्किंग ग्रुप के लिए कितना फायदेमंद। तो यही सब सारी बातें गाइस हम इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी ट्रैवलिंग या आपका वर्क या आपका स्टडीज वहाँ पे एकदम स्मूथ हो जाए। इससे पहले गाइस मैं आगे बढ़ूँ, जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का एक मेन रीजन ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाना चाहते हैं, उस कंट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, इमिग्रेशन से लेके वर्क परमिट, वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, फैमिली रियूनियन, एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लाइट्स, इमिग्रेशन रूल्स, जो नए नए रूल्स आते हैं, तो आप इससे अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आपको किसी भी और सोर्स की जरूरत ना पड़े। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस वक्त क्यों अप्लाई करना चाहिए आयरलैंड का टूरिस्ट वीजा। गाइस, सबसे मेन वजह यह है कि आयरलैंड का टूरिस्ट वीजा, अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है बाई चांस या आपने एक दो कंट्री ऑलरेडी ट्रैवल की है, अगर आपके पासपोर्ट पे आयरलैंड का टूरिस्ट वीजा लगता है तो आपकी पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ताकि आगे जब आप शेंगेन वीजा, ऑस्ट्रेलियन वीजा या यूएस वीजा अप्लाई करेंगे तो आपकी काफी मदद होती है। यह है फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन यह है गाइस कि कोविड के पहले आयरलैंड का वीजा मिलना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि आयरलैंड एक बहुत ही डेवलप्ड और स्ट्रांग कंट्री है। बट कोविड के बाद अब उन लोगों ने थोड़े रिलैक्सेशन ले आए हैं, रिस्ट्रिक्शंस उन लोगों ने थोड़े कम कर दिए हैं। तो गाइस, इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत ही सुनहरा मौका है आयरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए और हासिल करने के लिए और वहाँ जाके आने के लिए, एज अ टूरिस्ट और एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्किंग ग्रुप। तो ये कुछ रीजन से थे गाइस, काफ़ी सारे रीजन और हैं बट ये दो मेन रीजन से। अब गाइस हम बात करते हैं इसे कैसे अप्लाई किया जाए। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक डायरेक्ट लिंक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट की दी है, प्लीज आप वहाँ जाके उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपको डायरेक्टली आयरिश ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है गाइस, जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना, आपके पर्सनल डिटेल्स, यही सब बातें हैं गाइस। और बेस्ट पार्ट यह है आयरलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने का कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन इसी वेबसाइट पे होगा गाइस। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होंगे तो ईमेल में नोटिफाई कर देंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता रही हमें इस वक्त क्यों आयरलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कैसे अप्लाई करना चाहिए ऑनलाइन वेबसाइट से। अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो गाइस, इसकी कॉस्ट है सिर्फ 60 यूरोस। अब हम बात करते हैं गाइस इसकी वैलिडिटी की। तो गाइस, 90 डेज के लिए ये वैलिड होता है। अब गाइस हम इसकी बात करें प्रोसेसिंग टाइम की। तो प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें तो मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। तो गाइस, यही टाइम फ्रेम में आपका टूरिस्ट वीजा आ जाता है। अब गाइस हम बात करते हैं फ्रेश पासपोर्ट के लिए। तो गाइस, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपको बताया था फ्रेश पासपोर्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट वीज़ा ये है। तो गाइस, ये बहुत ही सुनहरा मौका है जिनका भी पासपोर्ट फ्रेश है और वो आयरलैंड जाने का सपना देख रहे थे या जाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल और ब्यूटीफुल यूरोपियन कंट्री है। हालांकि ये शेंगेन स्टेट नहीं है बट बहुत ही पावरफुल कंट्री है, तो इस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वीज़ा सक्सेस रेट, वीज़ा अप्रूवल रेट काफ़ी अच्छी है इस वक्त। अब गाइस बात करते हैं स्टूडेंट्स की। जी हां गाइस, स्टूडेंट्स भी ये शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट स्टे वीज़ा। उसके बेनिफिट ये है कि जब आप शॉर्ट स्टे या इस टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ जाएंगे तो आप कोई भी शॉर्ट कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं इसी वीज़ा पे गाइस, बट मेक श्योर वो 90 डेज से कम होनी चाहिए कोर्स की ड्यूरेशन। अब फाइनली हम बात करते हैं वर्किंग ग्रुप की। तो गाइस, जैसा आप लोगों को पता होगा यूके में काफ़ी शॉर्टेज है इस वक्त लेबर्स की, एम्प्लॉयज़ की, और गाइस आयरलैंड में भी पोस्ट कोविड काफ़ी शॉर्टेजेस है वर्किंग ग्रुप ऑफ पीपल की। तो गाइस, अगर आप जॉब्स अब्रॉड ढूंढ रहे थे या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो प्लीज़ गाइस मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप ये शॉर्ट स्टे वीज़ा अप्लाई कीजिए। एक बार आपको वीज़ा मिल जाएगा तो वहाँ आप चले जाइए आयरलैंड में और किसी भी एम्प्लॉय से आप फेस टू फेस पर्सनली बात कीजिए, क्योंकि गाइस ऑनलाइन एप्लीकेशन करना, जॉब के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना एक बात होती है, बट जब आप पर्सनली एम्प्लॉय के सामने फेस टू फेस बैठते हैं और बात करते हैं तो गाइस एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, अलग इम्प्रेशन होता है और जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं।
तो चलिए गाइस, इस वीडियो में मैंने आयरलैंड टूरिस्ट वीजा, जो कि शॉर्ट स्टे सीधा वीजा है, इसके बारे में आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये भी बताई है इनकी बेनिफिट्स क्या होती है, अप्रूवल टाइम, प्रोसेसिंग कॉस्ट, सब कुछ मैंने कवर किया है। अगर गाइस आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या अभी भी कोई डाउट पेंडिंग है तो डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।